पीएम किसान योजना 2022 मोदी सरकार देगी किसानों को 8000 रुपए तक का लाभ। बजट 2022 में सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर। पीएम किसान योजना 2022 मोदी सरकार देगी किसानों को 8000 रुपए तक का लाभ। बजट 2022 में सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीकेटो न्यूज में। नई दिल्ली, नए बजट को लेकर शीतकालीन सत्र 31 जनवरी 2022 से शुरू होने वाला है। इसके बाद 1 फरवरी को केंद्रीय बजट संसद में पेश किया जाएगा। बता दें कि यह बजट 11 फरवरी 2022 तक चलेगा, जबकि सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक चलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस साल के बजट में आम आदमी को काफी रात मिल सकती है। इसी बीच खबर आ रही है कि नए बजट में केंद्र सरकार किसानों को तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार इस बजट के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। जैसा कि सरकार का जोर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने पर है और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती करने पर सरकार का फोकस अधिक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार 1 फरवरी 2022 के संसद में पेश किए जाने वाले बजट में किसानों के लिए कई लाभकारी घोषणाएं कर सकती है। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाना भी शामिल हो सकता है। बजट में किसानों की फोकस पर यह खास वजह। केंद्र सरकार के मुख्य मुद्दे में किसानों की आय दुगना करना है। साल 2023 में अगले लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार पर किसानों की आय दुगने करने के मुद्दे पर जवाब देने का दबाव है। साथ ही 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद सरकार ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। ऐसे में बजट 2022 में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। उम्मीद है कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का बजट बढ़ा सकती है। दोनों योजनाओं में देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलता है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए एक पैनल का गठन कर सकती है। यहाँ आप बता दें कि पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को निरस्त करते समय एमएसपी पर समिति गठित करने की घोषणा की थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि के संबंध में क्या कहते हैं एक्सपर्ट? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसी क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि पीएम किसान राशि बढ़ाकर 6000 रुपए से ज्यादा करने से न सिर्फ किसानों को राहत मिलेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर महामारी का ज्यादा असर नहीं होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम किसान के अलावा सरकार इस बजट में किसानों के लिए कई अन्य राहतों की घोषणा कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पहले भी हो चुकी है राशि बढ़ाने की मांग। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम बढ़ाने की मांग पहले भी कई बार उठ चुकी है। उम्मीद है कि इस बजट में राशि बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। इस योजना के तहत अब तक किसानों के खाते 6000 रुपए की रकम 3 किस्तों में 4-4 माह के अंतराल में भेजी जाती है। बताया जा रहा है कि आने वाले वित्त वर्ष में यह राशि बढ़ाकर 8000 रुपए की जा सकती है। मतलब यह है कि अब किसानों को साल में 2000 रुपए की 4 किस्तें दी जा सकती है। पीएम किसान योजना से 11 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा। पीएम किसान योजना से 13 करोड़ लाभार्थी जुड़े हुए हैं। 1 जनवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में 10वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की थी। इन किसान परिवारों को बैंक खाते में 20,900 करोड़ रुपए भेजे गए थे। उल्लेखनीय है कि खाद, बीज, उर्वरक और मानवीय श्रम और पेट्रोल डीजल की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है और किसानों की आय घट रही है। ऐसे में सरकार पर किसानों की आय बढ़ाने का दबाव बना हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक जारी की गई किस्तें। पीएम किसान योजना की पहली किस्त फरवरी 2019 में जारी की गई। पीएम किसान योजना की दूसरी किस्त 2 अप्रैल 2019 में जारी की गई। पीएम किसान योजना की तीसरी किस्त अगस्त 2019 में जारी की गई। पीएम किसान योजना की चौथी किस्त जनवरी 2020 में जारी की गई। पीएम किसान योजना की पांचवी किस्त 1 अप्रैल 2020 में जारी की गई। पीएम किसान योजना की छठी किस्त 1 अगस्त से पैसा आना शुरू हुआ। पीएम किसान योजना की सातवीं किस्त 25 दिसंबर 2020 को जारी की गई। पीएम किसान योजना की आठवीं किस्त 14 मई 2021 को जारी की गई। पीएम किसान योजना की नवीं किस्त 9 अगस्त 2021 को जारी की गई। पीएम किसान योजना की दसवीं किस्त 1 जनवरी 2022 को जारी की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2022 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार जानकारी दे सके। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।